तो अगर आपको मार्केट का पल्स जानना हो तो हर शेयर का ट्रेडिंग का इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत टाइम कंज्यूमिंग, एग्जॉस्टिव और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा। हेलो एंड नमस्ते पेचेक ब्रोज, मैं हूँ मनीष आहुजा और ये है पेचेक टू प्रॉफिट, इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो बात करता है आपके साथ आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे हम 4th, 14th और 24th को नए वीडियोस बनाते हैं जिसमें मैं आपके साथ बात करता हूँ आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और कैसे आप अपने पेचेक को इन्वेस्ट कर अपना प्रॉफिट का ज़रिया बना सकते हैं। तो अगर आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलिएगा ताकि हम जब भी नए वीडियोस बनाएं तब आपको एक नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो आपने बहुत जगहों पर पढ़े, सुने या देखे होंगे लेकिन या तो आपको इनका महत्व या इनका मतलब भी नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं जानता हूँ कि आप इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं, तो चलिए आज बात करते हैं इन्हीं शब्दों के बारे में। शेयर मार्केट में हज़ारों कंपनियों के शेयर्स लिस्टेड हैं और इन शेयर्स में हर दिन करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग होती है। तो अगर आपको मार्केट का पल्स जानना हो तो हर शेयर का ट्रेडिंग का इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत टाइम कंज्यूमिंग, एग्जॉस्टिव और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हर स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स होता है। इस इंडेक्स में स्टॉक मार्केट अपने सबसे बड़े कंपनियों के 10, 20, 30 या कुछ शेयर्स को एक बास्केट में डालते हैं और इस बास्केट को एक इंडेक्स कहा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स और NSE के स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स का नाम है निफ्टी या निफ्टी 50। सेंसेक्स में फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरटेनमेंट, टेलीकॉम, इन सारी कंपनियों के मिलाकर 30 बड़ी कंपनियों के शेयर्स एक बास्केट में डाले हुए हैं। ऐसे ही निफ्टी में 50 कंपनियों के शेयर्स का एक बास्केट बनाया हुआ है, इसलिए निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहा जाता है। बेसिकली ये जो स्टॉक मार्केट इंडाइसेस हैं ये एक बेंचमार्क की तरह काम करती हैं ताकि अगर आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसका आप कंपैरिजन उस शेयर मार्केट के इंडेक्स के साथ डायरेक्टली कर सकते हैं। ओवरऑल एक पर्टिकुलर देश के शेयर मार्केट का ग्रोथ कैसा रहा है पिछले 5, 10, 15, 20, 25 सालों में, ये कंपेयर करने के लिए भी ये स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस ही काम आते हैं। तो इसलिए अगर आप कभी भी कोई बिजनेस न्यूज़ चैनल देखोगे या अगर कोई बिजनेस न्यूज़पेपर खोलोगे तो आप देखोगे कि सेंसेक्स, निफ्टी के बारे में हर बार कुछ ना कुछ बात होती रहती है। उसके अलावा अगर आपको जानना है तो एक बैंक निफ्टी नाम का भी एक इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही, जिसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी रखना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी में 12 लार्ज कैप बैंक्स का कंपाइलेशन है लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये बहुत ही वोलाटाइल होता है और इसमें बहुत अच्छे मात्रा में ट्रेडिंग होती है डेली बेसिस पे। तो जब आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग चालू करेंगे तब आपका बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी हो जाएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में बैंक निफ्टी के बारे में भी इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी समझा। तो मैं आशा करता हूँ आज आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्यों ज़रूरी है और हर स्टॉक एक्सचेंज का एक अपना इंडेक्स क्यों होता है। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना ना भूलिएगा। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए। कचिंग।